नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। अदालत से जमानत मिलने के बाद लालू परिवार को एक तबका जीत बता रहा है, तो वहीं सीबीआई को एक तबका ये बता रहा है कि दरअसल वो डर गई। अब इन जद्दोजहद के बीच में ये जानना समझना बेहद जरूरी हो गया है कि जिस घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी पर चर्चा हो रही थी, अब इस बात को चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एजेंसियों के आगे दरअसल जो है महागठबंधन की सरकार नहीं कर गई। सबसे पहले आपको बता दें कि आज लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी की पेशी होने वाली थी और उन्हें जमानत मिल गई है सीबीआई। अब 29 मार्च को दरअसल उस पर सुनवाई होने वाली है। उसके बाद तेजस्वी यादव को 3 बार समन भेजा गया, इसके बावजूद तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। उन्होंने ये अब बताया वजह कि दरअसल उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, क्योंकि उनसे भी पूछताछ हुई थी। लेकिन अब इन सब के बीच में सवाल ये है कि क्या वाकई में ये लालू परिवार की जीत हुई है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर सीबीआई ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें जमानत दे दी। ये भी लोग सवाल जब लाइव सेशन में कर रहा था तब भी पूछ रहे थे और अभी सोशल मीडिया पे लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे थे, इसको भी जान लेंगे। और तीसरा कि क्या 29 मार्च को अब क्या होगा इनको लेकर, क्या इससे पहले ही तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि 3 बार समन मिलने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए हैं। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकते हैं। इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कपिल मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये है कपिल, जिस तरीके से हमारा आप देख रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं कि उठना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या करें, लालू परिवार की आज पेशी होनी थी, उन्हें जमानत मिल गई है और उसके जमानत मिलने के बाद अब बिहार में खूब जश्न मनाया जा रहा है, उनके चाहने वाले लोग भी जश्न मना रहे हैं। कैसे देखा जाए कि वाकई में जमानत मिल जाना ही बहुत बड़ी जीत है या फिर इसके पीछे कोई राज? देखिए, मुझे लगता है कि जमानत मिल जाना ही बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि 600 करोड़ रुपये का बड़ा अमाउंट जो है वो लालू यादव के घर से मिलता है। गिरफ्तारियाँ होती हैं, इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है। तो आप देखिए कि अगर 600 करोड़ जैसा बड़ा धन किसी के घर से निकलेगा और वो भी लालू यादव के घर से, तो सवाल तो उठेंगे। और अगर जमानत की बात करी जाए तो शायद लगा होगा कि अभी जमानत दे दी जाए और आने वाले वक्त में हो सकता है कि फिर बुलाया जाए या फिर पूछताछ की जाए। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को 3 बार समन भेजा गया लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हो रहे। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उनकी जो है खिदमत कर रहे हैं। क्या ये वजह ठीक है या वाकई में, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि दरअसल सीबीआई यहाँ करने मेयो करने के लिए आई है, क्या कैसे देखा जाए, क्या वाकई में तेजस्वी यादव डर के मारे नहीं जा रहे हैं या एक्चुअल में जो अपनी पत्नी का वजह बता रहे हैं वो हो सकता है? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहली वजह पत्नी की वजह से जो आप बता रहे हैं वो हो सकती है। दूसरा बड़ी वजह ये होती हो सकती है कि वो जाएँ और उनके बाद उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए जिसके बाद उन्हें बेल ना मिले। ये तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें ही बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर उन्हें कोर्ट की तरफ से या फिर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका संबंध भेजा गया है तो कानूनी संबंध है, और अगर आप इसको इस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं उन्हें एक और संबंध मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो चले जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है उन्हें फायदा मिलेगा, नहीं जाते तो बड़ा नुकसान होगा। एक सवाल ये भी है बिहार सरकार को लेकर कि जब एनडीए के साथ बीजेपी थी और अब तो नहीं है क्योंकि वो अब महागठबंधन की सरकार बनी, सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा कि लालू को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी जिंदगियां ही कितनी बच गई ये आप जानते हैं, एक किडनी पे जिंदा है वो भी बेटी की खिदमत से, उनकी बदौलत। अब लालू सुशील मोदी का ये कहना, इसको कैसे देख रहे हैं कि लालू को नहीं छोड़ेंगे? दूसरी तरफ आज राउज एवेन्यू से आपने देखा कि उन्हें जमानत मिल गई है, सियासी तौर पर क्या देखे, क्या लगता है कि फिर से एक बार जो है लालू के लिए परेशानियां बढ़ेंगे या वाकई में जो सुशील कुमार ये सियासत तौर पर ही रह जाएगा और लालू अब यहाँ से जो है वो रफा दफा यानी कि अब खुलेआम ऐशो आराम कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता। फिलहाल जिस तरीके की तैयारी बीजेपी कर रही है, तमाम क्षेत्रीय दलों को नेस्ता नाबूद करना चाहती है यानी खत्म कर देना चाहती है ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बड़ी आसानी से जीत दर्ज जो है वो की जा सके। आप देखिए कि महाराष्ट्र में यही होता है, उत्तर प्रदेश में हालांकि फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अखिलेश यादव के ऊपर भी तलवार लटकने वाली है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन बाकी सब जगह हो रहा है। आप देखिए आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है लालू यादव भी इसमें बचेंगे नहीं। हालांकि बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि 2014 में क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया जा रहा है, ये एक सवाल जरूर बन सकता है, लेकिन नियत पर मुझे लगता है कि सवाल नहीं उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद दिल्ली से पटना का जिक्र होना शुरू हो गया क्योंकि सीबीआई बार बार उन्हें समन भेज रही, भले ही तेजस्वी यादव पेश नहीं हो रहे हैं और मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों। अब लेकिन इन सब के बीच में ये सवाल है कि जिस तरीके से आज उन्हें जमानत मिली तो एक तबका जो है वो एजेंसियों की हार बता रहा है और तो वहीं उन लालू परिवार की जीत बता रहा है क्योंकि उनको सत्य का वचन मिला हुआ है, तमाम चीज़ें करें। तो इसको समझ लेते हैं कि इन दोनों सवालों को कैसे देखा जाना चाहिए, क्या सिर्फ जमानत को ही जीत के जश्न में तब्दील करना
क्या सही है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रांशी मैं मेरे साथ मौजूद है, प्रांशी जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखा जाए इस सवाल को कि आज जैसे उन्हें जमानत मिली तो एक तरफ जो आरजेडी को चाहने वाले लोग हैं या उनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि आज सीबीआई झुक गई, हार गई, मोदी सरकार की एजेंसियां हार गई क्योंकि उनके इशारों पर नाच रही थी, आज लालू परिवार का जीत हुआ क्योंकि ये सत्य वचन वाले लोग हैं, कैसे देखा जाए इस मसले? देखिए सबसे पहले तो जो बिहार में जो माहौल देखने को मिल रहा है राजद को लेकर, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बड़ी जीत, पहली जीत मानी जा सकती है इस मामले में। लेकिन यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा आसिफ जी, क्योंकि 29 मार्च को अब अगली सुनवाई होने को जा रही है। अगली सुनवाई में आखिरकार यहाँ पर बीजेपी का क्या दाव पेश मिल सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा पर। क्योंकि देखा जाए बीजेपी पर बार बार यही आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तो देखना यही होगा कि आखिरकार 29 मार्च को क्या कुछ फैसला सुनने को मिलेगा। और दूसरी ही तरफ यहां पर जो आपने बात कही कि आखिरकार जो अब जो फैसला आया उसके बाद अब राजनीति में नजारा क्या कुछ देखने को मिल सकता, तो यहां पर आपको जानकारी दे दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो 18 और 19 को जो बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में, जहां पर राजद से यहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे क्योंकि उनका यहाँ पर देखा जाए तो 8 दलों को एक साथ लेकर चलना है। और ऐसे में देखा जाए ये बात हम बखूबी जानते हैं कि यादव परिवार का यहाँ पर यूपी में यादव परिवार के साथ कितना खास रिश्ता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव मिलकर कुछ अलग रणनीतियाँ बनाने वाले हैं। क्योंकि हम सभी ने देखा था कि बीते पिछले साल बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद महागठबंधन किया नीतीश कुमार ने, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए अब यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। ये केस तो यहाँ पर चलता ही रहेगा, जाँच एजेंसी यहाँ पर अपना काम करती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लालू यादव की, तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की कुछ अलग रणनीतियां हमें आगे आने वक्त में देखने को मिलेंगी। प्रांशी एक सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर आरोप लग रहे हैं, ठीक है ये लालू यादव राबड़ी भी और उनकी बेटी को ठीक है जमानत मिल गई और अच्छी बात है कि अब उम्र भी हो गया वो आराम कर सकते हैं, उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन तेजस्वी की जब बात आती है और वो डिप्टी सीएम भी हैं, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि बार बार ईडी सीबीआई के समन मिलने के बावजूद वो भाग रहे हैं, क्या वाकई में देखा जाए कि उन्हें मिले तो उन्हें पेश होना चाहिए या फिर भागने की जो आरोप लग रहे हैं कैसे देखा जाए इसको कि वाकई में डर के मारे भाग रहे हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पर जब समन भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेश होने की बेहद जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लालू यादव जब जा रहे हैं, राबड़ी देवी जा रही हैं और उनकी बेटी भी यहाँ पर जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का इस तरीके से इस तरीके की हरकत करना जाहिर सी बात है यहाँ पर 100 सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिरकार वह भाग क्यों रहे हैं। तो इसके बाद जरूर कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दे छिपे हुए नजर आ सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर बार बार ऐसे ही भागते रहे तो जाहिर सी बात है जो गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, बीते पिछले साल से यहाँ पर हम सभी यही देख रहे हैं कि जो हमने देखा मनीष सिसोदिया के मामले में लगातार जांच एजेंसियां जांच करती हुई नजर आई, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी यही कहती हुई नजर आई कि जांच एजेंसी को यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, लेकिन बावजूद उसके हम सभी ने देखा कि घोटाले यहाँ पर देखने को मिले और आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट में ये मामला तो चल रहा है लेकिन यहाँ पर देखा जाए कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बेशक यहाँ पर रणनीतियां बना रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को ऐसा दाव जरूर फंसाएगी कि कहीं ना कहीं उन्हें मजबूरन पेश होना ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद भले ही कितना जश्न मना ले लालू परिवार या फिर आरजेडी परिवार, लेकिन एक सच है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव भाग रहे हैं गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक तो रही है, लेकिन अब सीबीआई उनको लेकर क्या करेगी ये एक सवाल बना ही रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के चक्रव्यूह में तमाम विपक्ष फंसता आ रहा था, इस बीच में इनको जमानत मिलना भले ही एक जश्न के रूप में मना सकते हैं लेकिन अभी भी विपक्ष के लिए के जो सामने परेशानियां हैं वो अभी फिलहाल हटी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि आज अदालत ने जो उन्हें जमानत दी है क्या वाकई में जीत हुई है या फिर उनकी किसकी हार हुई है, ये हमें कमेंट कर जरूर आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं स्पिन न्यूज़। नमस्कार।